अभी महालक्ष्मी को आप सबने देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा कि वो बड़ी खूबसूरत सी हैं, ब्यूटी से पूरी भरी हुई हैं, बड़ी ही समृद्ध हैं। पर याद रहे, महालक्ष्मी किसके पास रहती हैं? सोच में पड़ गए? ये बताना चाहती हूँ मैं आपको, महालक्ष्मी उन्हीं के पास टिकती हैं जो बलशाली होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि विष्णु जी लेटे हुए हैं और महालक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? विष्णु का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ विष्णु इज ओनली द पर्सन हु इज नॉट फियर ऑफ एनीथिंग, हु डोंट हैव फियर ऑफ एनीथिंग इन लाइफ, देन ओनली द मनी कैन कम टू यू। द मनी इज ओनली बिकॉज ऑफ योर ब्रेवरी। अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है तो पैसा आपके पास आता है, है ना? तो अब ये ब्रेवरी और ये धन कैसे कनेक्टेड है? बड़ा आसान है। जब मैंने इस चीज़ पे बहुत इन्वेस्टिगेशन किया और अपने ग्रंथों को पढ़ा, तो बड़ी चीज़ें समझ में आई कि पैसा और हमारा ब्रेवरी से कितना गहरा नाता है। अगर आपको पता हो कि विष्णु, लॉर्ड विष्णु हमारे कितने ही बलशाली थे और उन्होंने कई बार अवतार लिया और हर अवतार में उन्होंने राक्षसों का सर्वनाश किया, है ना? तो इसका मतलब ये है कि ही हैड ऑल द डेयरिंग टू फेस ऑल द डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ। नाउ द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इट, कि व्हेन यू आर स्ट्रांग इनफ, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। माँ लक्ष्मी उन्हीं का सम्मान करती हैं जो अपना सम्मान करते हैं। अब सम्मान की बात आ गई, जो इंसान अपना सम्मान नहीं करता है, जिसको अपने बारे में कुछ पता नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास माँ लक्ष्मी नहीं जा पाती हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत सी चीज़ें अपने बारे में नहीं जानते हैं। हम घर में दिया तो लगा देते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितना अंधेरा है, क्या इस पर कभी हमने विचार किया है? नो, वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट, बिकॉज नाउ वी फील नो देयर इज अ लाइट सो वी कैन सी एवरीथिंग। बट हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप अपने घर को सजाते हो, वैसे हमें अपने अंदर भी कुछ है जिसके ऊपर हमें काम करना है। सो सबसे पहला हमारा जो घर होता है, घर का जो द्वार होता है, उस द्वार को दिवाली के दिन मैं क्या कहूँ, मैं तो चाहती हूँ हमेशा उसको सुंदर खूबसूरत बनाएं, बिकॉज द डोर, द फ्रंट डोर, महाद्वार जिसको हिंदी में कहा जा सकता है या कहा जाता है, वो पहला द्वार होता है जब कोई भी आपके घर में आता है। उस द्वार के आसपास आपने क्या रखा है, उससे क्या फीलिंग्स आती हैं, दैट वो फीलिंग लेके वो इंसान तुम्हारे घर में एंट्री करता है। तो जैसे दिवाली के दिन हम गेंदा के फूल से पूरे दीवारों को सजाते हैं और लड़ियाँ लगाते हैं, है ना? ये लड़ियाँ लगाना बहुत ज़रूरी है और गेंदा, फ्रेश फ्लावर। वास्तव में एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि नकली चीज़ें यानी नकली फ्लावर घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो प्लास्टिक होता है, उसमें एनर्जी नहीं होती है, उल्टा इसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है। तो आपका द्वार दिवाली के दिन लाल फूलों से अगर सजा हो और ऑरेंज फ्लावर हो और येलो फ्लावर हो, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। दूसरा, अपने द्वार पे जो हमारी रंगोली होती है, उसमें लाल रंग का इस्तेमाल करें, खासकर स्वास्तिक। अब स्वास्तिक तो बनाना आपको सबको मालूम ही होगा, इट्स वेरी सिंपल, लेकिन स्वास्तिक के बीच में डॉट रखना यानी बिंदु रखना ना भूलें, ठीक है? दूसरा, क्योंकि जैसे ही कोई आपके द्वार को देखता है, अगर कचरा रखा है, गंदगी है, इसका मतलब है आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने घर को तो बड़ा साफ रखते हैं, लेकिन घर के बाहर इतना गंदा रखते हैं कि पूछो मत। मैं चाहती हूँ ऐसा बिल्कुल ना करें। आज हम बात करते हैं सफाई के बारे में। क्यों सफाई के बारे में बात करना है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो थोड़ा सा बताऊँगी। जैसे ही हमारा घर साफ होता है, हमारा द्वार साफ होता है, हमारा शहर साफ होता है, एक अलग एनर्जी हमारे उस एम्बियंस में, उस एनवायरमेंट में, उस एटमॉस्फियर में घूमनी शुरू करती है। क्योंकि गंदगी मतलब सड़न, स्टेगनेंट एनर्जी। अब यहाँ बात करते हैं स्टेगनेंट एनर्जी क्या है। तो स्टेगनेंट एनर्जी आपके घर में बाल्टी होगी, बाल्टी में पानी आप रख दीजिए, एक महीने तक वो पानी ना फेंकिए और रखा रहने दीजिए, पता है क्या होगा, कीड़े पड़ जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेगनेंट एनर्जी। सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अवेयर कि फ्लोइंग एनर्जी क्या है, स्टेगनेंट एनर्जी क्या है। अब ये सब जगह काम करती है, ये हमारे घर में भी काम करती है, हमारे द्वार में भी काम करती है, हमारे शहर में भी काम करती है और हमारे अंदर भी काम करती है। तो दिवाली का मतलब सिर्फ यही नहीं कि घर को सजा दिया और अंदर दुख रखे रहे। तो क्या करना चाहिए? पूरे घर को पहले तो क्लीन करना चाहिए दिवाली आने के पहले, सारी तैयारियाँ। अगर आपको पता हो, हमारे ग्रंथों में पूर्वज जो हमारे थे,
दिवाली आने के पहले पूरे घर को साफ करते थे। क्यों साफ करते थे? क्योंकि घर के बहुत से कोनों में अंधेरा होता है, गंदगी छिपी होती है जो सालों साल तक साफ नहीं होती है, और उस गंदगी की वजह से हमारे एक कोने में अगर गंदगी है हमारे पूरे घर पे असर करती है। हम समझ नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं कि हमारे घर में दुख क्यों हम इनवाइट कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, और फिर हम अपने कर्मों को दोष देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, पहले अपने घर को पूरी तरह साफ करें, नए पर्दे धो के लगाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो उन्हीं पर्दों को अच्छे से क्लीन करें और फिर उनको अच्छा साफ सुथरा करके टांगें। दीवारों को अच्छा नया फ्रेश पेंट डालें। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि पेंट नहीं कर सकते तो चलो चूना ही लगा दो, चूने में रंग मिला दो कोई अच्छा सा। अब डिपेंड करता है कि घर के किसी दीवार में ब्लैक कलर का दीवार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर इज़ अ प्लेस ऑफ डार्कनेस, और दिवाली में डार्कनेस का कोई काम नहीं है। सो ये छोटी सी चीज़ें मैंने बताई। दूसरा, जैसे घर के अंदर घुसते हैं तो अब डिपेंड करता है कि आपका घर कंपस के हिसाब से किस दिशा से खुलता है, और कहाँ बेडरूम है, कहाँ आपका ड्राइंग रूम है, कहाँ किचन है। सो मैं जानती हूँ बहुत से घर ऐसे हैं जिनका वास्तु बिल्कुल ख़राब है, पर डोंट वरी, यहाँ आपको छोटे से सॉल्यूशंस देने वाली हूँ और वो सॉल्यूशंस आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। सो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी कि वो जो दिशा होती है वो पानी की दिशा होती है। अगर आपका कोना नॉर्थ ईस्ट में कहीं है तो वहाँ एक लोटा भर के या बाल्टी भर के पानी रख दीजिए, और उसमें लाल फूल या कुछ ऐसा फ्लावर, फ्रेश फ्लावर हो जो आप हर 2-3 महीने में उस फ्लावर को चेंज कर सके, और पुराना पानी फेंक के नया पानी डालें। ऐसे ही जब हम नॉर्थ ईस्ट में पानी रखते हैं तो हमारे यानी घर में जितने लोग हैं उनके सबके दिमाग शांत रहते हैं, ठंडे रहते हैं। क्योंकि वास्तु पुरुष जो होता है पूरा एक साइंस है, ये साइंस आज से नहीं है, ये कृष्ण के ज़माने से है। जो द्वारिका बना था, जो हमारे विश्वकर्मा थे, जो फर्स्ट वास्तु एक्सपर्ट, उन्होंने ये सब डिज़ाइन किया था। तो देखो अपने किस घर के कोने में हमें क्या क्या करना है। साउथ ईस्ट की बात करते हैं। अब साउथ ईस्ट क्या होता है आपको बता दूँ, साउथ ईस्ट हमारे घर का जो कॉर्नर है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व क्या होती है? आपके जो काम होते हैं, आपका जो करियर होता है, आपका जो बिजनेस होता है, वो जगह वहाँ की है। तो वहाँ हमेशा एक दिया जला के रखना है, चेक करना है कि अगर वहाँ चूल्हा हो तो बहुत ही अच्छा, और किचन अगर उस जगह पे होती है तो सोने पे सुहागा। योर किचन शुड बी ऑलवेज इन साउथ ईस्ट कॉर्नर एंड यू शुड फेस वाइल मेकिंग फूड टूअर्ड ईस्ट, बिकॉज इफ़ यू फेस साउथ तो घर में बहुत सारे लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर, अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।